स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने स्टार्ट कर दिया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला था वो देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एफ अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उस पर जो फोर्स लग रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेकंड, इससे हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव की थी। तो सेकंड फॉर्मूला हमें क्या मिला था, सेकंड फॉर्मूला हमने डिराइव किया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमने W अपॉन क्यू नॉट, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्क क्या है, ये F अपॉन क्यू नॉट है, ये क्या है, W अपॉन क्यू नॉट है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। सेम यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर आज हम डिराइव करने वाले हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आता है के क्यू अपॉन आर। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं, यहाँ देखो डिवाइड में आर स्क्वायर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए वर्क करता है, और ये क्या है, यहाँ पे ओनली आर है, और ये क्या है, के क्यू अपॉन आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताता है। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलाज आप याद रखोगे, लर्न करोगे, तो ये न्यूमेरिकल में भी आपके काम आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए के क्यू अपॉन आर लिखा जाता है। तो आज जो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं वो बेसिकली हम ये डिराइव करने वाले हैं, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डिराइव करना है उसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो हमने एक पॉइंट ओ लिया है जिस पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू। ये जो क्यू चार्ज है, ये एक मान लिया हमने एक पॉइंट चार्ज है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, एक पॉइंट ओ पर सिचुएटेड है किसी मीडियम में। मान लो उस मीडियम के लिए जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर है। तो एप्सिलॉन आर के डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने एक पॉइंट ओ लिया है जिस पर कैसा चार्ज है, क्यू चार्ज है, और एक पी हमने एक पॉइंट लिया है पी, इस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना है। इस पॉइंट पर हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने रखी है स्मॉल आर। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन से हम देखते हैं कि जब क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल या फिर सिचुएटेड किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो जितना वर्क डन हुआ वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, अगर हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हमें कहाँ लेकर आना है, पी पॉइंट पर लेकर आना है। तो जितना वर्क हुआ वही क्या होगा, हमारा पोटेंशियल होगा। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला निकल जाएगा। मान लो ये जो है वो इन्फिनिटी को बता रहा है, ये क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट ए लेते हैं जहाँ पर हमने क्यू नॉट प्लस चार्ज रखा है, ये हमारे पास बी पॉइंट है जो कि क्या बता रहा है, यहाँ पर डी एक्स डिस्टेंस को बता रहा है, और यहाँ से ओ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें ए डिस्टेंस की, वो क्या है, एक्स डिस्टेंस है, क्योंकि इन्फिनिटी से अगर हमें P पॉइंट पर आना है तो इसके बीच की डिस्टेंस तो हमें मालूम नहीं है कि कितनी डिस्टेंस होगी। तो इन्फिनिटी से चलकर हम क्यू नॉट चार्ज को कहाँ लेकर आ गए हैं, A पॉइंट पर लेकर आ गए हैं। A पॉइंट मान लो कोई भी A पॉइंट है जहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा है, और प्लस क्यू नॉट चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट पर जाएगा, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो हमें मालूम नहीं है,
ओ ए डिस्टेंस हमें पता है एक्स है। अब ए डिस्टेंस से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस हम लेकर चलें एज एन एलिमेंट, तो एलिमेंट के लिए हम डीएक्स डिस्टेंस ले सकते हैं क्योंकि इसी का ही हमने क्या किया है, एलिमेंट किया है। तो बात समझने की कौन सी है कि इन्फिनिटी से हम क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। मान लो इसमें बीच में एक पॉइंट आ गया ए, जिस पॉइंट पर प्लस क्यू नॉट चार्ज अभी सिचुएटेड है वो इन्फिनिटी से चलकर आ रहा है। अब क्या करेंगे, ए तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने लिखा है एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब क्या कर रहे हैं कि ए पॉइंट से थोड़ा सा हमने क्या लिया, एक डिस्टेंस ले ली, एलिमेंट डिस्टेंस, वो कि जो कि क्या है, डीएक्स है। यानी अब जब हम पी पॉइंट तक पहुंचेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो डीएक्स 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 डिस्टेंस से मिलकर बनेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि डीएक्स डिस्टेंस के लिए हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे, और जब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा, जो जो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो हम निकाल रहे हैं। तो वर्क डन किसको बताएगा, जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताएगा, और किसके लिए है, एक पॉइंट चार्ज के लिए है। तो अब चलते हैं डेरिवेशन पे, देखते हैं। तो इसके पहले वाले जो डेरिवेशन है उसमें हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये किसके लिए था, एक कोई भी पॉइंट जहाँ से हम लेते हैं उसे हम क्या लेते हैं, लोअर पोजिशन पॉइंट लेते हैं, जहाँ तक हम जा रहे हैं उसको अपर पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर आ रहे हैं जो कि ओ से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो गई, लोअर पोजिशन लिमिट हो गई, और ये जो स्मॉल आर है वो अपर पोजिशन लिमिट हो गई। अब दूसरा क्या देखते हैं, वहां तो हमने जो डिस्टेंस ली थी वो कितनी ली थी, ए बी पाथ के लिए कंप्लीट लेंथ मान लो हमने एल ली थी, उसमें से अगर हम डिस्टेंस एलिमेंट डिस्टेंस की बात करें तो वहां पर हमने ली थी डी एल वैक्टर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस हमने ली है, और एलिमेंट डिस्टेंस को हम क्या लिख रहे हैं, डी एक्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, डी एक्स वैक्टर लिख लेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो V होगा वो पोटेंशियल आएगा P पॉइंट के लिए। तो P पॉइंट के लिए ये जो V है उसका हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है। अब आगे करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी जस्ट हमने बात की थी कि फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर हम आर डिस्टेंस तो ये ले चुके हैं और ये डिस्टेंस हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीएक्स हम एलिमेंट ले रहे हैं, ये जो एलिमेंट है वो डीएक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस आर को यहाँ से हटाना होगा, इसकी जगह हमें लेना होगा एक्स, क्योंकि यहाँ जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वही डिस्टेंस वहाँ रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो इसको हम फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ भी आ जाएगा एक्स कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, ई के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर के क्यू। अब ये जो क्यू है वो हम एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ आ जाएगा एक्स कैप, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिख रहे हैं, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे ई है, तो के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप, देन डीएक्स वेक्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कैप डॉट डीएक्स वेक्टर इक्वल्स टू डीएक्स, ओनली इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे डीएक्स का। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी इन्फिनिटी टू आर के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, क्योंकि
के क्या होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻¹, ये इसकी वैल्यू होती है। यहाँ जो क्यू नॉट है वो टेस्ट चार्ज है, इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएक्स के रेफरेंस में 1/x² का होगा। तो ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है वी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू नॉट अपॉन x² dx, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस के क्यू नॉट बाहर लिख लेंगे, 1/x² dx इन्फिनिटी टू आर, ये क्या हो गई, इसकी लिमिट हो गई। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x² है माइनस के क्यू नॉट इन्फिनिटी टू आर, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, x^-2 dx। अब इसको एक फॉर्मूला के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर इंटीग्रेशन हो x^(n)dx का, ये मान लो एज अ रेफरेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या है, x^ अगर n हो, कोई भी यहाँ पे पावर हो सकती है, हमारे पास n की जगह क्या है, -2 है, एंड ये क्या है dx, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, x^(n+1)/(n+1) इंटीग्रेशन के थ्रू। इसको हम जब ओपन करते हैं फॉर्मूला को तो क्या आता है हमारे पास रिजल्टेंट, ये हमारे पास वैल्यू आती है x^(n) में +1, एंड डिवाइड में भी क्या हो जाएगा, जितनी यहाँ पे पावर है n+1 करके, वही n+1 पावर जो है वो यहाँ आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमें रिजल्टेंट वैल्यू देता है इस इंटीग्रेशन की। तो इसी तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला, x^ हमारे पास क्या है, -2 है, dx है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू n की जगह हमें -2 रखना है, +1 करना है, डिवाइड में -2 + 1 करना है, इक्वल में हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, -2 + 1 -1, डिवाइड में -1। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये -1 ही तो है, तो -1 x^-1। अब जब हम इसको x को नीचे लेकर आएंगे डिवाइड के, तो क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी प्लस में, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, -1/x, ये माइनस आ गया यहाँ, x^-1 है जो कि नीचे आके क्या हो गई, प्लस हो गई। तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है हमारे पास वो कितना आता है, -1/x। तो इसको लिख लेते हैं, माइनस के क्यू नॉट, और इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास -1/x। अब ये जो लिमिट है वो यहाँ लग जाएगी। अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट इसमें पुट करना है, देन माइनस करना है, देन लोअर लिमिट पुट करना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस का साइन अगर बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या लिख लेते हैं, के क्यू नॉट हमारे पास अब सिर्फ क्या है, 1/x है, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो चुका है। 1/x में सबसे पहले x की जगह हमें क्या लिखना है, अपर लिमिट पुट करना है, तो हम 1/r लिख रहे हैं, माइनस करना है, देन हमें लोअर लिमिट पुट करना है, तो 1/∞ लिख दिया। जब 1 में इन्फिनिटी का डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू आती है 0, तो 0 हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं, वी इक्वल्स टू के क्यू नॉट 1/r-0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आ जाती है, v के लिए KQ/R। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली थी इस फॉर्मूले के स्टार्टिंग में कि E के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, KQ/R², लेकिन अगर वहीं पर ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वो फॉर्मूला होगा KQ/R, वहां पे स्क्वायर नहीं होगा, ओनली क्या होगा, आर। तो KQ/R आता है उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड KQ/R² आता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से हम डिराइव करते हैं, पी पॉइंट पर इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को हमें हमें लेकर आना था। उसके लिए हमने क्या किया, ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट पर प्लस क्यू नॉट जो चार्ज है वो सिचुएटेड है, वहाँ से जस्ट एलिमेंट के थ्रू मतलब डीएक्स डीएक्स एलिमेंट पर वर्क डन हमें निकाल कर उसका इंटीग्रेशन करके प्लस करना है। तो वर्क डन, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले जो
डेरिवेशन था उसमें समझ ली थी, उसमें डायरेक्ट हमने वर्क डन निकाल के उसको पोटेंशियल के इक्वल किया, हमारे पास फॉर्मूला आया था वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो हमने यही फॉर्मूला डायरेक्ट इस पे अप्लाई किया, डायरेक्ट अप्लाई किया, देन हमें कहाँ से कहाँ आना था, इंफिनिटी से हमें पी पॉइंट पर आना था, एंड पी पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस लिए हुए था। तो इन्फिनिटी से आर यहाँ पे लिमिट्स लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, देन हमारे पास इंटीग्रेशन हुआ किसका, एक्स के पावर माइनस टू डी एक्स का। इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये एक रेफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पावर कुछ भी हो एक्स की, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में ही हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देन क्या हो जाएगा, इस तरह से ये फॉर्मूला इंटीग्रेट हो जाएगा। देन हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, वन में इंफिनिटी का डिवाइड करेंगे जीरो, एंड लास्ट में हमारे पास वैल्यू आती है, फॉर्मूला आता है वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। अब हम अगर बात करें कि इसके दो फॉर्मूला की, तो दो फॉर्मूले हमने देख लिए हैं, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और सेकेंड हमारा फॉर्मूला आ गया है के क्यू अपॉन आर। अब अगर हम इन दोनों में ग्राफ बनाना चाहें, तो ग्राफ जो है वी एंड आर दोनों में किस तरह से बनेगा, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ये कर्व फॉर्म में ग्राफ बन जाएगा। तो वी का अगर डिस्टेंस जो है वो कम है, तो वी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगी, इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हम कर्व इसमें फॉर्म में इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या बनेगा, कर्व फॉर्म में ग्राफ बनेगा। तो ये आज हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ये पढ़िए एंड थैंक यू।